मैंने भी करवा चौथ रखा है, तो फर्स्ट करवा चौथ में हरिओम, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और मैं हूँ HP हिमाचल डिस्ट्रिक्ट मंडी, एक छोटे से गांव से। ब्लॉग को शुरू करने से पहले, जो चैनल में नया, सबसे पहले कर दो मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलो शुरुआत करते नए दिन के और नए ब्लॉग के साथ। तो चलो जुट जाते अब आप अपने काम में, तो बने रहो आप सब भी मेरे ब्लॉग के साथ। अब ये वाला काम भी स्टार्ट हो गया, तो ये गोबर ले जाएंगे अब खेतों में। जब हम गेहूँ बीजेंगे तो उससे पहले ही डाल देंगे खेतों में। जीनो, चलो चलते अब लकड़ी के लिए। आज ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं जाएंगे घर के पास में ही, तो मम्मी ने बता रखी है मेरे को। तो फिर धूप भी उड़ जाएगी और उधर तो वैसे भी धूप नहीं है। इस छोटे से खेत में ना राजमा, मतलब कुछ हद तक क्या सही है, वैसे भी और जगह तो है नहीं। यहाँ पे तो ठंडी ठंडे, और आजकल सर्दी टाइम यहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं लगती। और उस पार अपना गांव, अगर यहाँ होता तो धूप ही नहीं होनी थी। तो इस लकड़ी को काटने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, फटाफट से कट जाती है। चलो डालते हैं अब। गुड मॉर्निंग। तो अपनी नई सुबह, और नई सुबह में कुछ एक बादल आए हुए पीछे,
वैसे तो मौसम साफ ही था, आज का मेरे को लग रहा है मौसम खराब हो जाएगा क्योंकि बादल जो आ रहे हैं। ओहो मेरे, ओ ओ ओ ओ तो यहाँ पे मम्मी डाल रही किल्टे में रस्सी उठाने के लिए, तो इसमें है नहीं नया है, तो इस तरह से डालते हम। मुंडी पाने से गांठ वाली लो जी, हो गया ना सेट इस तरह से। तो आज 1 नवंबर है और आज जो है करवा चौथ है, तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। और आज के दिन मैंने भी करवा चौथ रखा है, तो फर्स्ट करवा चौथ मेरा भी है, तो उसके लिए अभी तैयार होना है। तो कुछ इस कलर में मैं सूट पहनूंगी, तो ये रहा दुपट्टा। मेरा कोई करवा चौथ नहीं है, बस ये दुपट्टे यहाँ पे रखा हुआ था सूखने के लिए, और मेरे को ये बड़ा प्यारा लगा और इसका कलर बहुत अच्छा है। ऐसा कलर मैंने पहना भी नहीं है कभी, ऐसे कलर में सूट। तो देखते कैसा लगता है करवा चौथ, मैंने रखना करवा चौथ और किसके लिए रखना। और वैसे भी हमारे यहाँ पे कोई इस गांव में कोई करवा चौथ रखता भी नहीं, कोई भी रखता, बाकी दूर दूर रखते। गांव में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि सभी करवा चौथ रखते, गांव में कुछ एक में से कोई लेडीज़ रखेगी करवा चौथ, बाकी तो हमारे गाँव में तो एक भी नहीं है करवा चौथ वाली। इसको निकालते एक मिनट तब फ्राई करते, फिर बाद में रखना होगी। पता है अपने गांव में मैंने कभी भी नहीं देखा है करवा चौथ करते हुए तोड़ते हुए, बस कुल्लू में देखा था बुआ के घर में, बुआ करते भाभी करते वहां पे देखा था, बाकी तो ऐसी ऐसी कौन डालते, दुल्हन थोड़ी ना हूँ मैं। खैर फिर भी लगी चुड़ैल इस तरह से डाले जाते तो बट्टे बेवकूफ लड़की। बारह बज गए और मैं चल पड़ी उनको लेके, और जिनू आगे आगे आया और यहाँ पे बैठा बगाने था, उठा दिया इसने इसको। आज मैं इतनी देर से घर पहुंची अपनी गाय को लेके, सनसेट भी होने वाला है, बस धूप भी उड़गी। यहाँ पे किसको रखा है बंद करके, ओहो आजा। तो करवा चौथ वालों का चांद पता नहीं कब निकलता है, वैसे भी हमारे गांव में ना चांद काफी लेट निकलता है, और पता नहीं आज कितने बजे निकलता है, तो हम तो लगे सोने। और जिनका आज करवा चौथ हो तो देख, मतलब घड़ी घड़ी जाते ना देखने। जब हम कुल्लू में थे एक दीदी ने रखा था उधर, तो कह रहे घड़ी घड़ी जो चांद देखने ना आया कि नहीं, तो हम दौड़ रहे घड़ी घड़ी और ठगा रहे, हाँ चांद आ गया ऐसी बेफालतू में ही। तो आज के दिन जो है चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है, जिन्होंने व्रत रखा है स्पेशली उनको, और हम तो सो जाते घोड़े बेच के बड़े आराम से, हमें फर्क नहीं पड़ता चांद आए या ना आए, ये हमने तो व्रत नहीं रखा होता। और जिन्होंने रखा होता है उनको बेसब्री से इंतजार रहता है, और सभी का करवा चौथ जो है अच्छे से बीते। और फिर मैं सो ही जाती इस वाले ब्लॉग को रखती इतना ही, और आपने करना है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को करना है सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी ऐसी आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।